फ्रेंड्स वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी बायो टीचर शिवानी चक्रवर्ती सो so, बहुत दिन बाद फिर से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फ्रैक्चर्स। सो बेसिकली आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि वॉट इज़ फ्रैक्चर एंड वॉट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर सो बेसिकली फ्रैक्चर जैसा टॉपिक एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि ज़्यादातर हम जैसे स्टूडेंट्स लाइक पैरामेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड साथ ही साथ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है सो so चलिए टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं सो so जैसे कि मैंने बोला कि हम आज बात करने वाले हैं फ्रैक्चर पर तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ फ्रैक्चर फ्रैक्चर क्या है तो फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन एंड इट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप एंड एक्सटेंट अब किसी भी पर्टिकुलर बोन का टूटना ब्रेक होना फ्रैक्चर है अब डिपेंड करता है कि वो जो बोन है वो ब्रेक हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है और वो फॉर्म हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स को शो करता है सो so, हमने क्या सीखा वॉट इज फ्रैक्चर फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन एंड इट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप एंड एक्सटेंट ओके सो नेक्स्ट इज कि ये जो फ्रैक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये किस कारण से हो सकता है सो वॉट इज द काजेस ऑफ फ्रैक्चर सो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेस लाइक डायरेक्ट ब्लोज हो गया या फोर्स क्रशिंग फोर्स की वजह से हो गया या ट्विस्टिंग मोशन या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तरीके से फोर्स पड़ रहा है उसकी वजह से हो गया ठीक है या इसके अलावा भी कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस में कुछ पेशेंट्स को हड्डियों से रिलेटेड बोन से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं ईशू होता है बोन ट्रामा होता है ठीक है उनकी वजह से भी फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है इवन एज फैक्टर भी फ्रैक्चर को कॉज कर सकता है सो बेसिकली फ्रैक्चर आर कॉज बाई स्ट्रेस लाइक डायरेक्ट ब्लोज क्रूशिंग फोर्स सडन ट्विस्टिक मोशन हाई फोर्स इम्पैक्ट और मे ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ सम मेडिकल कंडीशन जैसा कि मैंने अभी बोला लाइक ऑस्टिओपोरोसिस ऑस्टियोपेनिया कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्ट तो इस तरीके से ये ये बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो फ्रैक्चर को कॉज कर सकता है ओके सो बेसिकली नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने कई सारे फ्रैक्चर्स के इमेज uh, लगाए हुए हैं uh, कई टाइप्स के फ्रैक्चर्स होते हैं ट्रांसवर्स लीनियर ऑब्लिक स्पायरल कंप्लीट ओके इनकम्प्लीट ग्रीन स्टिक स्ट्रेस तो बहुत टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं आइए हम इन सारे फ्रैक्चर्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे सो so, सबसे पहला जो हमारा टाइप होने वाला है वो होने वाला है कंप्लीट फ्रैक्चर वॉट इज कम्प्लीट फ्रैक्चर सो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे ये इमेज आपको शो हो रहा है एक बोन है जो कि सेंटर से ब्रेक कर चुका है और ये ब्रेक कोई नॉर्मल ब्रेक नहीं शो करता यहाँ पे जो फ्रैक्चर आपको शो हो रहा है वो फ्रैक्चर कंप्लीट फ्रैक्चर होता है अब व्हाट इज़ कंप्लीट फ्रैक्चर व्हेन दी टू पीस ऑफ दी बोन रिजल्टिंग फ्रॉम दी फ्रैक्चर कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं इस इमेज में आपको ये शो हो रहा होगा कि जो दोनों बोन्स हैं एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग हो चुके हैं सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से तो जहाँ ये दो एक बोन टू पीसेज में बट चुका है ये फ्रैक्चर कैसा फ्रैक्चर है कंप्लीट फ्रैक्चर कंप्लीट मतलब कंप्लीटली कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉइंट में या सेंटर या इन पॉइंट में कहीं पे वो एक दूसरे से फ्यूज़ किए हुए हैं चिपके हुए हैं कंप्लीट तरीके से ये एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं अलग हो चुका है दो पीसेज में बढ़ चुका है ये बोन इस इस तरीके का पर्टिकुलर फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर होता है कंप्लीट फ्रैक्चर ओके जस्ट वेट नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉट इनकम्प्लीट फ्रैक्चर सो so, हम बात करेंगे व्हाट इज इंप्लीट इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हमने कंप्लीट फ्रैक्चर देखा जहां पे पर्टिकुलर बोन्स जो था वो टू पार्ट्स में सेपरेट हो गया कंप्लीटली बढ़ गया उसको हमने क्या बोला कंप्लीट फ्रैक्चर अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप्स जो कि होने वाला है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर सो बेसिकली इन एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर द टू पीसेज ऑफ बोन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रैक्चर डो नॉट कम्प्लीटली सेपरेट जैसा कि अभी हमने बोला कि कम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या हो रहा था कि बोन के जो दो पीस थे वो एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हो जा रहा है बट इनकम्प्लीट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक दूसरे से कम्प्लीटली तरीके से सेपरेट नहीं है डू नॉट कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दी बोन पीस आर स्टिल जॉइंट आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं वो दूसरे बोन से कहीं ना कहीं कुछ कुछ ही साइड uh, से ये एक दूसरे से जुड़े ज़रूर हैं पूरी कंप्लीटली तरीके से सेपरेट से नहीं हुए हैं सो बेसिकली दिस हैपन वेन दी क्रैक डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली थ्रो द इंटायर विथ ऑफ दी बोन पूरी तरीके से अगर पूरा विथ जो है इंटायर बोन जो है नहीं ब्रेक किया हुआ है थोड़ा बहुत ब्रेक किया हुआ है उस कंडीशन में वो बोन्स के जो पीसेज हैं या पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट नहीं रहता है तो इस तरीके का जो फ्रैक्चर होता है वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को शो करता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ओके नेक्स्ट इज कमी फ्रैक्चर सो कमीन्यूटेड फ्रैक्चर लाइक दिस फ्रैक्चर जनरली ऑकर वेन देयर देयर हैज़ बिन सम लाइक काइंड ऑफ़ क्रूशिंग फोर्स ऑन दी बोन बहुत ज़्यादा क्रूशिंग तरीके से फोर्स लग रहा है एंड कैन हैपन एनी वेयर अलॉन्ग दी बोन कहीं पर भी कहीं पर भी बोन्स के किसी भी रीजन्स में ही हो सकता है पर्टिकुलर कहीं किसी भी रीज़न में अगर बहुत तरीके से बहुत मतलब क्रूशिंग तरीके से फोर्स लग रहा है अप्लाई हो रहा है वहाँ पर तो इस तरीके के फ्रैक्चर के चांसेज आपको देखने को मिलते हैं या इस तरीके का फ्रैक्चर देखने को आपको मिल जाता है जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है स्ट्रेट, ये आप देख सकते हैं ये इस एरिया में आप देख सकते हैं सो इट मोस्टली ऑकर इन एल्डरली पे बहुत ज़्यादा बहुत एज हो गया ठीक है ना एजड पर्सन है, तो ऐसे लोगों में आपको देखने को मिलता है कि उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो जब उनकी बोन्स बहुत वीक हो जाती है तो वो अगर थोड़ा सा भी प्रेशर डालते हैं या वो थोड़ा सा भी गिर जाता है तो उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में किसी भी बोन के पार्ट्स में फ्रैक्चर हो जाता है सो बेसिकली दिस इज कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर ओके सॉरी जस्ट मिनट ओके नेक्स्ट इज क्लोज्ड फ्रैक्चर सो बेसिकली क्लोज फ्रैक्चर इज़ also कॉल्ड अ simple फ्रैक्चर एंड closed फ्रैक्चर इज़ अ फ्रैक्चर वेयर the बोन इज broken बट द स्किन इज़ intact हड्डी टूट जाती है बट स्किन जो होती है ना वो कहीं ना कहीं उस हड्डी से चिपकी रह जाती है ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे अपनी स्क्रीन पे आप इमेज देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे बोन ब्रेक तो हो चुकी है बट कहीं ना कहीं वो स्किन से चिपकी हुई है है ना तो इस तरीके का जो फ्रैक्चर होता है वो क्लोज फ्रैक्चर होता है या सिंपल फ्रैक्चर क्लोज फ्रैक्चर को हम सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं ओके नेक्स्ट इज ओपन फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर लाइक दे कम्युनिकेट विद द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इन्वायरमेंट थ्रू दी स्किन ओपनिंग ओके आप देख रहे हो वो बोन्स जो है ना वो स्किन को uh, फाड़ के बाहर निकल आ रही है इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट कर रही है सो एट एट रिस्क फॉर बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन इसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है कि स्किन इन्फेक्शंस जो होते हैं या बोन इन्फेक्शन टिश्यू इन्फेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है सो आर एट हायर रिस्क ऑफ एसोसिएटेड न्यूरो इंजरी बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा आप जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो एक पर्टिकुलर ट्रॉमा हुआ है एक्सीडेंट हुआ है इस एक्सीडेंट में जो आपको त्रौ... पर्टिकुलर फ्रैक्चर दिख रहा है वो पूरा ओपन टाइप फ्रैक्चर है जहाँ पे पर्टिकुलर जो बोन है वो पूरा एक्स्ट्रा कॉर्पोलियर इन्वायरमेंट स्किन मतलब इन्वायरमेंट से कांटेक्ट कर रहा है कम्युनिकेट कर रहा है तो इस कंडीशंस में जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन्स और बोन इन्फेक्शन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है न्यूरोवास्कुलर इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इसका जो आप कह सकते हैं कि इसके जो ट्रीटमेंट्स है वो एंटीबायोटिक और सर्जिकल मैनेजमेंट से ही आप क्योर कर सकते हो उसका ओके okay? Uh, uh, next is a avulsion fracture. So basically, avulsion fracture, like a fragment of a bone is pulled away at the point of attachment of a tendon, ligament. ओके आई यू ऑलरेडी नो कि बोन्स टू बोन्स एंड बोन्स टू मसल्स आपके अटैच्ड होते हैं लिगामेंट एंड टेंडन के फॉर्म में ओके okay, और मसल्स सो बेसिकली एव्यूल्सन फ्रैक्चर्स जो होता है यहाँ पे ये पर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में क्या होता है कि बोन का जो फ्रैगमेंट होता है वो पुल्ट करता है एक पॉइंट से और वो जाके ना वो पर्टिकुलर टेंडन या लिगामेंट या मसल्स uh, वगैरह से क्या कर जाता है अटैच कर जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हो जहां पे पर्टिकुलर फ्रैक्चर हो रहा है वहां का पर्टिकुलर बोन का जो फ्रैगमेंट है वो पुल्ड कर रहा है पुल्ड करके ये अटैच कर रहा है टेंडन लिगामेंट या फिर मसल से किसी से भी जाके अटैच कर रहा है तो ये इस पर्टिकुलर फ्रैक्चर्स को हम कहते हैं एवल्सन फ्रैक्चर ओके नेक्स्ट इज वॉट दैट इज कंप्रीजन फ्रैक्चर सो वॉट इज कम्प्रीजन फ्रैक्चर बेसिकली uh, uh, क्या होता है कि इसमें uh, आपका जो ये कम्पलीजन कंप्रीजन फ्रैक्चर एक कॉमन uh, uh, देखने को मिलता है आपको पोरस बोन्स में ओके एंड बोन इज क्रिस्ट एंड दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर जनरली मैंने जैसा कि बोला कि पोरस बोन्स स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि पोरस बोन्स ऐसे होता है ऐ, ऐसे बोन्स को हम पोरस बोन्स कहते हैं और ऐसे बोन्स में आपको ज़्यादातर कम्प्रीशन फ्रैक्चर्स देखने को मिल जाता है और ये ई मोबिलाइजेशन को शो करता है एंड इनमें आपको देखने को मिलता है कि ये ब्रेस एंड कॉर्सेट जैसे चीज़ें ये पर्टिकुलर वियरिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि इस तरीके का जो पोरस बोन होता है जहाँ पे इस तरीके के फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है वो आपके क्या होते हैं ई मोबिलाइज होता है ओके e नेक्स्ट इज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर सो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है ये भी फ्रैक्चर का ही एक टाइप है ओके okay? ये भी टाइप्स है फ्रैक्चर का इसमें क्या देखने को मिलता है ये आप डायग्राम देख सकते हैं ये ये लोकेशन पे आपको दिख रहा है डिप्रेशन फ्रैक्चर और उसके जस्ट नीचे होगा आपको ये हो गया हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर सो डिप्रेशन फ्रैक्चर क्या है कि अब ब्रेक इन क्रैनियल बोन जब दिमाग में जो क्रैनियल बोन होता है ना वो ब्रेक हो जाता है ठीक है ना बोन का ब्रेक होना फ्रैक्चर है लेकिन ब्रेन के बोन का ब्रेक होना वो भी कौन से ब्रेन का कौन से बोन का क्रैनियल बोन का ब्रेक होना या उसका क्रुस्ड हो जाना स्कल का क्रुस्ड पर्टिकुलर क्रस्ट पोर्शन स्कल का बोन ब्रेक हो जाना ड्यू uh, टू कुछ भी हो सकता है कंडीशन एक्सीडेंटल या डिप्रेशन डिप्रेशन की वजह से ज्यादातर होता है तो डिप्रेशन की वजह से ही इसका नाम रखा गया है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर सो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कि ब्रेन के बोन्स को यानी क्रैनियल बोन्स को क्या कर रही है ब्रेक कर रही है ड्यू टू डिप्रेशन ओके एंड कंपाउंड फ्रैक्चर अ ब्रेक इन और लॉस ऑफ स्किन ठीक है या तो ब्रेक हो रहा है या स्किन लॉस हो रही है या या स्प्लिंटरिंग हो रही है बोन्स की ठीक है और ये पर्टिकुलर ब्रेन में ही हो रही है और वहाँ पे इसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जा रही है ठीक है जिसे हम सबड्यूरल सबड्यूरल आर्किनॉइड एंड पाया मैटर जो होता है वो मैनिक्स होता है यानी ब्रेन की कवर को कहते हैं तो अगर सबड्यूरल हिमेटोमा हो रहा है यानी उस रीज़न में ब्लड जो है ब्लीडिंग हो रही है तो वो कंडीशंस को शो कर रहा है कि वहां पे ट्रॉमा है फ्रैक्चर है और वो कैसा फ्रैक्चर है कंपाउंड फ्रैक्चर है तो इस तरीके के फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो आपको जनरली ब्रेन में यानी क्रैनियल हिस्से में देखने को मिल जाता है ओके नेक्स्ट इज वॉट एपीफाइसियल फ्रैक्चर सो एपीफाइसियल फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग इन एपीफाइशियल प्लेट्स ऑफ लॉन्ग बोन ये इसके पर्टिकुलर नाम पे ही गया है जो कि एपिफाइसियल है और ये एपिफाइसियल एपिफाइसियल प्लेट्स ठीक है ना लॉन्ग बोन के एपिफाइसियल प्लेट्स में होता है जो कि विच कॉज सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ दी प्लेट्स ये पूरी प्लेट्स को क्या करती है फ्रैगमेंट प्लेट के फ्रैगमेंट को क्या करती है अलग कर देती है इसकी वजह से एपिफाइसियल फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर जो प्लेट का फ्रैगमेंट होता है वो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाता है आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी इमेज ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ओके ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बेसिकली इस तरीके का फ्रैक्चर जो होता है ये डायरेक्ट ट्रॉमा से होता है डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया ऑपरेशन को तो वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को शो कर रहा है सो देर इज एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन इनकम्प्लीट मतलब मैंने क्या बोला जहाँ पे बोन्स जो है वो टू पार्ट्स में कम्प्लीटली सेपरेट्स नहीं है कम्प्लीटली ब्रेक नहीं कर रहा है तो अगर एक लंबे बोन्स में फ्रैक्चर हो रहा है जे डी एस अल्ना को ले लेते हैं एग्जाम्पल में और वो इनकम्प्लीट तरीके से हो रहा है तो वो एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का रिजल्ट है जो कि डायरेक्ट ट्रामा से हो रहा है सो विथ कॉर्टिकल डिस्टर्बशंस ऑफ वन साइड्स एंड डीफॉर्मिटी ऑफ दी अदर रिजल्टिंग बाउइंग ऑफ दी बोन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉरी आप यहां पे इस इमेज में देख सकते हैं ओके जस्ट वेट ओके नाउ नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर सो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हैपेंस जनरली आपको देखने को मिल जाता है कि दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज उनमें आपको देखने को मिल रहा है जे जिनमें कहीं कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड डिजीज है बोन डिजीज जैसे कह रहे हैं या जिनकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक्स होती हैं बहुत कमज़ोर होती है उनमें आपको इस तरह के फ्रैक्चर्स देखने को मिलती है जहाँ पे क्या होता है कि एक हल्के फोर्स से भी बोन्स जो होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है नॉर्मली फ्रैक्चर हो जाती है कोई कोई ट्रामा की जरूरत ही नहीं होती है थोड़ा सा चोट भी लगा गिर गया इंसान तो भी उसका जो है फ्रैक्चर हो जाना है बोन सो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन में अगर इस तरीके के पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स नज़र आता है जो जनरली कॉमनली हो जाता है तो वो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये डिजीज़बल या वीकेंड बोन्स की वजह से जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट है, जो कि एक तरीके का बोन डिजीज़ है और जहाँ पे क्या होता है कि नॉट पर्टिकुलर पेशेंट्स में कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है डिफिशियंसी हो जाती है एक तरीके से उनके बोन्स में पेशेंट के बोन्स में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है एंड जिसकी वजह से वो फ्रेगा हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स में आपको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बहुत देखने को मिल जाता है हिप वगैरह में जो फ्रैक्चर्स होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट इज स्पाइरल फ्रैक्चर सो बेसिकली फीमर फीमर बॉडी का लार्जेस्ट एंड बॉडी का वेटेड बोन कहा जाता है जो कि आपके पर्टिकुलर लेग रीजन में होता है सो फीमर इन फीमर एक जो है पर्टिकुलर स्पाइरल फ्रैक्चर आपको फीमर वाले एरिया में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है ड्यूरिंग हार्ड लैंडिंग ऑन योर फूड कॉजिंग प्रेशर एंड देयर बाई क्रिएटिंग एज अ स्पाइरल ओके okay, तो वो पर्टिकुलर अपवर्ड मोशन की वजह से वो क्रैक कर जाता है तो स्पाइरल फ्रैक्चर ज़्यादातर आपको फीमर बोन्स में देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करते हो ओके okay, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये आपका एक पर्टिकुलर स्पाइरल फ्रैक्चर का इमेज शो कर रहा है इसको देखिए ए और बी फिगर को देखिए आपको नजर आ जाएगा डिफरेंट ओके okay?

रनर जो होता है वो हार्ड सरफेस में हमेशा जो है रन uh, करता है ठीक है बॉलेड डांसर्स एंड बास्केट बास्केटबॉल प्लेयर्स इनमें आपको देखने को मिलता है कि उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ज़्यादा देखने को मिलता है जो उनके टीबिया और फिब्यूला वाले रीजन्स में ज़्यादा होता है जो कि स्ट्रेस फ्रैक्चर ज़्यादातर आपको उसी रीजन्स में देखने को मिलता है नेक्स्ट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर लाइक कब होगा जब किसी भी बोन के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा एक इंच से एंड वो जो फोर्स है वो एकदम स्ट्रेट बोन में स्ट्रेटली uh, जो है वे करेगा एंड uh, वो बोन ब्रेक करेगी टू इंच में लाइक इम्पैक्ट फ्रैक्चर्स में क्या होगा कि वो पुश अगर कर रहा है कोई उस बोन में तो वो पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट अप करेगा बोन्स के अंदर एंड इस तरीके का जो फ्रैक्चर है ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स जो है वो कॉमन है आर्म फ्रैक्चर जो बच्चों के कंधे वगैरह जो फ्रैक्चर करते हैं वो जो है एक तरीके से इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स का टाइप है ओके okay, सो so ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर था तो जैसा कि आज हमने कई सारे टाइप्स के बात के बारे में बात की आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो आ, अच्छा लगा हो और समझ में आया हो और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू